हेलो मिसेस रेखा ब्लॉग्स में आज बनने वाले हैं सोयाबीन के मोमोज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, जो हमें सभी को पसंद है। 1 पाव के करीब हमने सोयाबीन लिए, ये चंक्स वाले सोयाबीन है। अब हमने पानी रख दिया इधर गैस पर, हमने थोड़ा सा पानी रख दिया गैस पर क्योंकि इन्हें सॉफ्ट करना है। पानी में डाल के हल्का सा पानी गर्म होगा फिर हम इनको सोयाबीन को डाल देंगे। पानी को हल्का सा बॉईल करती हूँ। पानी हल्का सा गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे अपने सोयाबीन। सोयाबीन डाल देते हैं भिगोने के लिए। गैस ऑफ कर देती हूँ। अब ये गर्म पानी में सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। 5 से 6 मिनट आप पानी में पड़े हुए रहने दें, 5 6 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगी सोयाबीन एकदम। अगर ज़्यादा जल्दी हो तो गैस पानी अपना बॉईल करें फिर डालें। पूरा बॉईल करके हल्का सा बॉईल करोगे उसी में सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको सॉफ्ट होने देती हूँ। तो ये सोयाबीन हमारी सॉफ्ट हो गई है, देखिए काफ़ी स्पंजी सी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, पानी निचोड़ लेते हैं। तो हमने ये छलनी होती है जो छेदों वाली परात, उसमें पलट लिया है। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि नीचे से सारा पानी निकल जाएगा, पानी नहीं रहेगा। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो पानी इसका निचोड़ जाएगा। तो सोयाबीन ठंडी हो रही है, जब तक हम अपना डो बना लेते हैं। तो मैं हल्का सा नमक डालूंगी, आप बिना नमक के भी गूंथ सकते हो। हल्का सा नमक डाल के हम टाइट सा डो बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, एक साथ सॉफ्ट डो बनाना है। ये 1 पाव के करीब मैदा है, तो अब हम इसका सॉफ्ट सा डो बना के रेडी कर लेंगे। हम सारी मैदा का, 1 पाव मैदा का सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, रेडी कर लेते। पानी बिल्कुल संभल के डालें क्योंकि मैदा है तो पानी ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा। तो हल्का हल्का करके डालें, बार बार डालने पड़े तो कोई बात नहीं, बार बार डालें लेकिन ज़्यादा ना हो जाए एक साथ। ये सॉफ्ट सा हमने डो बना के रेडी कर लिया है। जब तक हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे तब तक इसको रेस्ट पर रख देते हैं। अपने हाथों से हल्का हल्का सा दबा के हम इसका पानी निकाल के फिर अपना ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लेंगे। सोयाबीन हमने पीस ली, एकदम दरदरी पीसी है, बारीक पेस्ट नहीं बनाया, दरदरी है। तो इधर हमने गैस पर रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाला है, इसमें 2 पिंच हींग। हींग डालने के बाद हम डालेंगे अदरक, ग्रेट करा हुआ अदरक है थोड़ा सा, 1 इंच के करीब। अब हम डालेंगे सोयाबीन। इसको मिक्स कर देंगे चलाते हुए। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, 8 से 10 काली मिर्च आप पाउडर बना लें या फिर कूट लें दरदरी। इसको भी मिक्स कर देते हैं। उसके बाद 2 स्पून विनेगर, वाइट विनेगर है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 स्पून मैगी मसाला। मैगी मसाला का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार डाल के जरूर देखें, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इस सबको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा खट्टा खट्टा, काफ़ी अच्छा इसका आएगा टेस्ट। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, हरा धनिया डाल के हम इसको मिक्स करके और गैस ऑफ कर देते हैं, स्टफिंग को ठंडी होने देते हैं। तो जब तक स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, इतने में हम अपने मैदा लेके इसकी लोइयां बना लेते हैं, लंबा लंबा करेंगे और यूँ छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। तो ये लोइयां बना के कर लिए रेडी, अब हम इनको बेलेंगे। हम इसकी पूड़ी जैसी बेलेंगे, पतली पतली, मोटा नहीं रखना, नहीं तो कच्चा कच्चा मैदा सा आएगा। मोटा मोटा पतली पतली बेल लेंगे, ये देखिए।
पतला सा हो गया, तो देख लीजिए बिल्कुल पतला पतला, मोटा नहीं है ज़्यादा। स्टफिंग भरेंगे तो मैदा मैदा जैसा नहीं लगेगा, तो हम इसी साइज़ के सारे बेल लेते हैं पहले। ये सारी हमने बेल के रेडी कर ली, अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ये हमने ली सोयाबीन, अब हम इसको ऐसी प्लेटें सी बनाते जाएंगे और दबाते जाएंगे। ये देखिए ये हमने बना के रेडी कर लिया, ऐसे हम सारे बना लेंगे। आप जिस भी शेप में चाहो शेप में बना सकते हो। तो ये देखिए सारे बन के एकदम रेडी हैं, ये अलग अलग शेप है, आप जो चाहो वो शेप बना सकते हो। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनको स्टीम। तो हमने एक पतीले में पानी रख दिया, पानी हमारा बॉयल आ रहा है। इधर हमने एक छलनी ले ली है, इसमें हल्का सा हम घी लगाएंगे ताकि चिपके ना, थोड़ा चिकनाहट रहेगी तो नीचे से चिपकेंगे नहीं। देखिए अब हम इसी में सारे मोमो सेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सारे सेट कर लेंगे। जितने भी बने उतने सेट कर लें, अगर थोड़े बना रहे तो एक बारी में बन जाएंगे, अगर ज्यादा है तो दो बार में बनेंगे, दो बार स्टीम लगा लें, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ना रखें। मेरे थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं दो बारी में स्टीम लगाऊंगी। अब हम इस जाली को इसी के ऊपर सेट कर देंगे ताकि जो भी इसकी स्टीम है इसके अंदर रहे, बाहर ना निकले, इतना ध्यान रखें। बिल्कुल फिक्स सा बर्तन है, जैसे फिक्स बने ऊपर से हम इसको ढक देंगे। तो अब हम इसको ढक देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है बाहर ना निकले। ये देखिए हमने ढक दिया है, हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं, देखते हैं स्टीम हो गए या नहीं हुए। अभी थोड़ा आराम से चेक करें आप, थोड़ा आराम से हिलाएं अपना बर्तन। तो ये देखिए एकदम से स्टीम हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से बने। ये देखिए कितने अच्छे से इनको स्टीम हुए हैं, काफ़ी अच्छे से। अब हम इनको निकाल लेते हैं, दूसरे वाले रख देते हैं। तो ये देखिए पीछे की साइड से, ये देखिए हर तरफ से स्टीम हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हुए। तो ये देखिए मोमोस हमारे बन के एकदम रेडी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। कोई सा भी खोल लीजिए, अंदर की स्टफिंग देखिए, ये देखिए है ना पूरी भरी हुई एकदम बढ़िया से। और यूँ चटनी लगाएंगे, रेड रेड चटनी है घर की बनी हुई। चटनी की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं ज़रूर डालूँगी चटनी की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।